चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। शामली जिले का चौथा सबसे बड़ा शहर, वर्तमान में 53,000 की विशाल जनसंख्या का निवास स्थान, थाना भवन। शामली जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा ऐतिहासिक कस्बा थाना भवन खास क्यों है, इसके लिए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। 1857 की क्रांति में थाना भवन के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साहस का परिचय देते हुए शामली जाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए एवं तहसील शामली को नेस्तनाबूद कर दिया। इस भीषण हमले के प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने सितंबर 1957 में थाना भवन पर दो हमले किए, जिसमें पहले हमले में अंग्रेजी फौज को उल्टे पांवों भागना पड़ा, किंतु दूसरे हमले में अधिक सेना और अधिक हथियारों का प्रयोग करके अंग्रेजों ने थाना भवन पर कब्जा कर लिया। लोग जान बचाते हुए कैराना, कांडला, गोगो इत्यादि कस्बों को चले गए। अंग्रेजों ने पूरे कस्बे के मकानों में आग लगा दी। महाजनों वाली बगीची में लगभग 132 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। असगरी बेगम को जिंदा जला दिया गया। ठाकुर नवल सिंह, हरनाम सिंह को फांसी दे दी गई एवं हिमाचल सिंह को कालापानी जेल भेज दिया गया। यह घटना उस समय के मुजफ्फरनगर जिले की सबसे विभत्स घटना थी। थाना भवन शहर के पश्चिम में थाना भवन टाउन रेलवे स्टेशन स्थापित है, जहां से दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे मार्ग गुजरता है। मुख्य मार्ग पर चौराहा बस स्टैंड, जहां से एक मुख्य सड़क थाना भवन के मुख्य बाजार में प्रवेश करती है। थाना भवन को 2011 में नए बने जिले शामली में सम्मिलित किया गया। इससे पूर्व यह जनपद मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। वर्तमान में यहाँ पुलिस क्षेत्राधिकारी का पद सृजित है एवं शामली तहसील में सम्मिलित होता है। थाना भवन शहर का व्यापारिक केंद्र, चौराहा चौक बाजार। थाना भवन शामली जिले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में नगर एवं आसपास के ग्रामीण जरूरी सामानों की खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मेन बाजार में आगे बढ़ते हुए यह मार्ग आजाद रोड पर पहुंचता है। आजाद रोड भी थाना भवन के मुख्य बाजारों में शुमार होता है। इस मार्ग पर शहर का एक मुख्य चौराहा घंटाघर चौक स्थापित है। आजाद रोड अपने उत्तर पूर्वी छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग में मिल जाता है। थाना भवन सड़क मार्ग द्वारा पश्चिम में ऊन एवं पूर्व की ओर चरथावल होकर मुजफ्फरनगर से सीधे जुड़ा हुआ है। थाना भवन शहर के पूर्वी छोर पर कृष्णा नदी बहती है, जिसके सेतु को पार करके मुजफ्फरनगर की ओर प्रस्थान किया जाता है। थाना भवन शहर की वीर भूमि पर आकर इसे कैमरे में कैद करने का अनुभव अनूठा था, जिसे मैं सदैव अपनी यादों में संजो कर रखना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थाना भवन कस्बे का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो थाना भवन एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपका मित्र ध्रुव वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।